बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूटी सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने ट्रक चालक को पकड़ा। और आपको बता दें कि लाल फाटक से जा रही सांसद कश्यप ने इस पूरी घटना को देख और गाड़ी रोकी और बदायूं का निवासी, ये बताया जा रहा है, मृतक युवक कैंट थाना क्षेत्र के दूरदर्शन केंद्र के सामने की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की जो कड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है बरेली से, जहां स्कूटी सवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और जो ट्रक चालक था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने उस ट्रक चालक को पकड़ दिया और पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि इस दरमियान लाल फाटक से सांसद कश्यप जा रहे थे, उन्होंने घटना को होता देखा और तुरंत अपनी गाड़ी रोककर जो ट्रक चालक था उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बदायूं का निवासी बताया जा रहा है मृतक युवक, कैंट थाना क्षेत्र के दूरदर्शन केंद्र के सामने की यह घटना बताई जा रही है। जो मृतक है वो बदायूं का रहने वाला है, स्कूटी पर सवार था ये मृतक, तस्वीर में देख सकते हैं। ट्रक ने इसको टक्कर मारी है, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लोगों का हुजूम है, सांसद भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सांसद ने वहाँ पर जो ट्रक चालक था आरोपी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जो मृतक है वो बदायूं का रहने वाला है। शशांक जुड़ गए हैं सहयोगी बरेली से। शशांक, किसकी लापरवाही से एक्सीडेंट बताया जा रहा है? दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला कैंट के लाल फाटक का है, जहाँ पे स्कूटी से फिसलने पर ये युवक ट्रक की चपेट में आ गया, जिसने ट्रक ने इसको रौंद दिया। ठीक है, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? ट्रक मालिक कौन है, ओनर कौन है, इसका पता लगाया जा सका है? जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहाँ पे धर्मेंद्र कश्यप जो सांसद हैं बीजेपी के, वो आ रहे थे और उन्होंने तुरंत ही ट्रक चालक को पकड़वाने का कार्य किया पुलिस के द्वारा। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी, जिन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ पर सांसद के द्वारा उस आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ट्रक मालिक कौन है, कहाँ से ये ट्रक आ रहा था और कहाँ जा रहा था, या इसमें क्या कुछ रखा हुआ था जिसकी वजह से, हालांकि जो वजह निकल कर आई है सामने वो स्कूटी फिसलने से ये वजह सामने निकल आई जिसकी वजह से युवक ट्रक के नीचे आ गया। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक पड़ा हुआ है और चारों तरफ हुजूम लगा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूटी जो इसकी है वो फिसल गई थी, जाहिर है रोड पे जिस तरह से पानी भी नज़र आया और स्कूटी के पहिए भी छोटे होते हैं और फिसलन वाली जगह पे स्कूटी जल्दी फिसल भी जाती है, इसी वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जाँच का विषय है।